उसको भी चालू करके रखेंगे क्या? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इस मुसीबत के समय में सभी अपने परम शिष्यों को स्वास्थ्य मंगल की कामना करता हूँ। आज का जो विषय है, एक फूल की चाह, एक फूल की चाह, कवि सियाराम शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता में समाज के अछूत व्यक्ति की व्यथा का चित्रण कवि ने किया है। कविता का सार रूप है, एक बेटी जिसका नाम सुखिया है, उसका पिता बार बार अपनी पुत्री को बाहर खेलने जाने से मना करता है। बोलता है, बेटी बाहर मत निकलो। लेकिन सुखिया काफ़ी चंचल बालिका है, बाहर निकलती है और बीमार पड़ जाती है। उसका पूरा शरीर बुखार से तप्त हो जाता है। बुखार में वह शयन कर रही है और एक पिता उससे पूछ रहा है, बेटी एक बार बोल। बस वह अपनी इच्छा इतना अभिव्यक्त करती है कि पिताजी, देवी माँ का प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर मुझे दीजिए। पिता हाँ स्वीकृति भरते हैं और अपनी बेटी को रात भर जागकर देखते हैं, कब शाम होती है, कब रात होती है, कब सुबह होती है, समय का पता नहीं चलता। वो मन में भाव जागृत हो रहा है कि एक बार पुनः उसी बात को दोहरा दे कि पिताजी, एक फूल लाकर मुझे दीजिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। वह कहती है, वह कहती है, उसके मौन संकेत को समझकर सुखिया का पिता अच्छे वस्त्र पहनकर माँ के मंदिर की ओर बढ़ता है। भगवती का मंदिर पर्वत के ऊपर में है, दूर से ही भगवती माँ का स्वर्ण कलश दिखाई देता है। सुखिया के पिता को बहुत खुश होता है कि मैं मंदिर तक पहुँच गया हूँ। फूल और प्रसाद लेकर वह जब आगे बढ़ता है तो भीड़ काफ़ी होती है और भीड़ की वजह से धक्का खा कर के वो कैसे मंदिर में पहुंच जाता है उसे पता नहीं चलता। जैसे ही वह मंदिर में पुजारी के हाथ में प्रसाद फूल देता है, हड़बड़ाहट में वह प्रसाद लेना भूल जाता है और फूल लेकर के आगे बढ़ता है। उसके मन में हुआ कि हे भगवान, प्रसाद तो मैंने लिया ही नहीं, चलो एक फूल ही सही बेटी को, जो बोली है कि भगवान के प्रसाद के रूप में एक फूल ही ला करके दीजिए पिताजी, यही ले जाकर मैं दूंगा। इतने में मंदिर के कुछ उच्च वर्ग के लोग सुखिया के पिता को पहचान लेते हैं
और कहने लगते हैं कि अरे सुखिया का पिता ये अछूत इस माँ के मंदिर में कैसे आ गया, पूरा मंदिर अपवित्र हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज के संदर्भ में जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं, मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं, इस समय आज कोई ऊंच नीच जाति पाति का भाव अगर मन में रखता है तो समझो कि समाज का कि कितनी उन्नति हुई है, हमारा समाज कितना विकास किया है। एक बात स्पष्ट है, लोगों के मन में आक्रोश की भावना जागृत तो होती है, वह सुखिया के पिता को गिरा देता है, पद प्रहार करने के क्रम में उसके हाथ से फूल और प्रसाद दोनों गिर जाता है। सोचता है कि हे भगवान, मैं कितना अभागा पिता हूँ कि माँ के प्रसाद स्वरूप एक फूल भी अपनी बेटी को नहीं दे सका। अंत समय में उसे पता चलता है कि उसकी बेटी, जब वह पहुंचा है घर तो पता चला है कि बेटी संसार में नहीं रही। वह क्रंदन करता है और कहता है कि अंत समय में मैं अपनी पुत्री को अपनी गोद में भी नहीं उसका सर रख सका, माँ का फूल नहीं दे सका। तो ये संपूर्ण कविता समाज में अछूत व्यक्ति की व्यथा का चित्रण करता है। सब कवि सियाराम शरण गुप्त जी एक फूल की चाह के माध्यम से इस कुरीति को, जो समाज में कुप्रथा के रूप में व्याप्त हो गई है, इसे दूर करने का प्रयास इस कविता के द्वारा किया गया है।